कृषि कानूनों पर आर पार की लड़ाई में जुटे किसानों ने मोदी सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने आज दिल्ली के प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कह दिया कि अगर 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस तक उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो उस दिन दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा, अगर 26 जनवरी तक हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम दिल्ली में किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। उन्होंने आसपास के किसान परिवारों से कम एक व्यक्ति दिल्ली भेजने की अपील की है। इसलिए आज मजबूर होके हम सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं और अल्टीमेटम ये है, अगर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी तक हमारी ये बातें नहीं सुलझती हैं, मांगी नहीं जाती हैं, तो दिल्ली के तमाम जितने मोर्चे हैं उन मोर्चों से किसान दिल्ली के अंदर घुसकर अपनी किसान गणतंत्र परेड करने के लिए मजबूर होंगे। हम दिल्ली के आसपास के तमाम किसानों से आग्रह करते हैं कि तैयारी कर लीजिए, अपने अपने ट्रैक्टर तैयार कर लीजिए, सब दिल्ली पहुंचे। देश के जिस जिस किसान परिवार के लिए संभव है सबसे अनुरोध करते हैं, एक एक मेंबर आप अपना यहां पे भेजिए। जो यहां नहीं आ सकते वो अपना जिला स्तर पे, स्टेट लेवल पे, जहां जहां संभव है किसानों की गणतंत्र दिवस परेड निकाले। वहीं क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि 26 जनवरी को हम राज्यों में गवर्नर हाउसेस का घेराव करेंगे और 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर किसान परेड निकालेंगे। साथ ही 6 जनवरी को KMP यानी कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, जिसे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे के नाम से भी जाना जाता है, वहां पर भी किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। किसान मोर्चा ने ये डिसाइड किया है कि 6 तारीख को अगर हमारी वार्ता फेल हो जाती है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ हमारे पक्ष में नहीं होता है, 6 तारीख को हम छिंगू बॉर्डर से ट्रैक्टर जो है उसको KMP पर चढ़ाएंगे और KMP पर ट्रैक्टर मार्च होगा। जो ये 26 जनवरी की एक तरह की परेड की वो होगा, उसकी एक तरह का रिहर्सल परेड होगी वो 6 तारीख। यानी कुल मिलाकर किसान आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और किसान अब पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। किसानों का साफ साफ कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी की नजरें 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच में होने वाली बातचीत पर टिकी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।